हबीबनगर पोल्यूशन लिमिट्स में यूसुफ इंदरका में अप्रैल 17 को अहमदी फयाज़ एक नाम वाले लेडी एक दरगाह को आके ज़ियारत कर रहे थे। वो करने के टाइम पे उसके बाजू का उसका पर्स रख के प्रेयर्स कर रहे थे। प्रेयर्स होने के बाद अगर देखे तो वो पर्स मिस हो गया था, तो जब ने सोच के पुलिस में कंप्लेंट दिया था। एक वो पर्स में गोल्ड आर्नमेंट्स और एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल था। इस सिलसिले में पुलिस वाले केस रजिस्टर करके सीसी फुटेज के वेरीफाई करके और नया नया पुलिस का सॉफ्टवेयर्स अभी आए थे, फेशियल रिकग्निशन और फिंगरप्रिंट स्कैनर से वेरीफाई करके ओल्ड ऑफेंडर्स को वेरीफाई करने के टाइम पे एक लेडी एक क्राइम करेबल के मालूम हुआ था। वो सिलसिला में आज आसिफ नगर क्रॉस रोड मल्लेपल्ली के ऊपर सस्पिशियस में लेडी को पकड़ के वेरीफाई करे तो उन्हें एकबुल कर लिए थे। एक केस भी एक केस के साथ साथ और दो केस हबीब नगर का और बेगमपेट का एक केस भी उन्हें एडमिट करे थे। इसके पास तकरीबन 9 तोला गोल्ड और थोड़ा सिल्वर आर्नामेंट्स उसके पास सीज हुआ था। पूरा 3 केस हबीब नगर का और एक बेगमपेट केस का कन्फेशन लिख के आज भाग्यलक्ष्मी को रिमांड करे थे। वो लेडी का नाम भाग्यलक्ष्मी है। ये इससे पहले अफजल का सागर मांगरबस में रहते थे, अभी और 3 साल पहले इधर से चेंज करके गुड़ी मलकापुर के पास अभी रह रहे। अभी 2-3 साल से एक किसी पुलिस के पास नहीं पकड़े थे। ये लेडी अकेले करते थे, अकेले लेडीज़ को टारगेट करके उनका इनोसेंस से उनको थोड़ा अटेंशन डाइवर्शन करके उसके पर्सेस वो ये चोरी करना इनका आदत है। आज ये सिलसिले में उनको अरेस्ट करे थे, आज रिमांड को भेज दिए थे। पुलिस कस्टडी लेने के बाद और थोड़ा केस मालूम पड़ जाते अपने को।